शिशु चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और इस चैनल से जुड़ें और सुबह शाम प्रार्थना करें। परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करे। प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से सुबह के लिए कि आपने हमें जीवन और श्वास दिया, इसके लिए बहुत बहुत मैं दिल से धन्यवाद करता हूं परमेश्वर। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग मिलकर के सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक घटे और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। मेरे प्रियो, आज हमें चिंतित नहीं होना है। आज हम सुबह बाहर उठ करके प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, क्योंकि हमें परमेश्वर जीवन और श्वास देता है। आपके घर, आपके बच्चों को, आपके परिवार को, आपके हर एक चीजों में बरकत और उन्हें संभालने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज हम टूटे हुए मन से यदि हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमें आशीषित करता है, क्योंकि हम ना चाह करके यदि हमारे जीवन में कोई काम सफल नहीं होता है तो परमेश्वर कहता है कि तू धैर्य रख, विश्वास रख, हर एक चीज का समय है। आज हमें धैर्य रखना है, आज हमें विश्वास रखना है, आज हमें नौकरी, जॉब, पैसे, अनेक प्रकार की समस्याओं का समाधान हमें करना है और बहुत सारी समस्याओं का हम निवारण भी करेंगे, क्योंकि वो परमेश्वर हमको सामर्थ्य देगा, वो परमेश्वर हमें ताकत देगा। मेरे प्रियो, तो आज हम घबरा जाएंगे नहीं। मेरे प्रियो, आज हमें बिल्कुल भी उदास नहीं होना है और परमेश्वर का धन्यवाद करना है। यदि आज हमें परमेश्वर जीवन देता है तो परमेश्वर हमें दुख भी देगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यदि तुम गलतियां करोगे जीवन में तो मैं तुम्हें कोड़े भी लगाऊंगा। तो वही हमारे जीवन में घटती रहती घटनाएं मेरे प्रियो। तो हमें पीछे नहीं हटना है, हमें प्रार्थना करना है, हमें प्रार्थना सुनना है, हमें प्रार्थना अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए, अपने जॉब के लिए, अपने हर एक प्रकार की समस्याओं के लिए हमें प्रार्थना करना है मेरे प्रियो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, क्योंकि परमेश्वर ने हमें एक नया सूर्योदय किया हमारे जीवन में, एक नया प्रकाश, एक नई रोशनी, एक नया जीवन दिया है मेरे प्रियो। तो आज हमें घबराना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं, क्योंकि आपके वचन में लिखा है। मेरे प्रियो, आप याद करिए कि प्रभु यीशु मसीह जब बीज बोने वाले का दृष्टांत बता रहे थे, क्यों बता रहे थे? आज हमें समझना है। आज हम ऐसे ऐसी जगह पर बीज बो देते हैं जहां पर फल की कोई आशा नहीं होती है। जब बीज ही नहीं उगेगा तो उसमें फल कहां से और पेड़ कहां से तैयार होगी? मेरे प्रियो, तो आज हमें उसी जगह पर बीज को बोना है जहां पर हमें फल मिलेगा। मेरे प्रियो, आज हमें समझना है। प्रभु यीशु मसीह के वचन को आप पढ़ सकते हैं, जैसे हम पढ़ते हैं लिखा हुआ है, आपको प्रार्थना अंत तक ग्रहण करना है। यदि आज आपको आशीष चाहिए, आपको बरकत चाहिए, आपको सामर्थ्य चाहिए, आपको ताकत चाहिए, तो आपको प्रार्थना को अंत तक ग्रहण करना है मेरे प्रियो, क्योंकि सामर्थ्य भरी बातें परमेश्वर के मुंह से निकलती है। मेरे प्रियो, सामर्थ्य भरी और भलाई की बातें परमेश्वर के मुख से निकलती है मेरे प्रियो। इसीलिए परमेश्वर का वचन आप पढ़िए, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 13 लिखा हुआ है, वचन नंबर 1 में, उस समय उसी दिन यीशु घर से निकल करके झील के किनारे जा बैठा। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हमेशा लोगों को सिखाया करते थे, लोगों को बताया करते थे, जाया करते थे। तो उस समय प्रभु यीशु मसीह घर से निकल करके झील के किनारे जा बैठे और उसके बाद एक ऐसी बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई कि वह नाव पर चढ़ गया और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही और उसने दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा। एक बोने वाला बीज बोने वाला मतलब एक बोने वाला बीज बोने निकला और बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर के उन्हें चुन लिया। मेरे में देखिए, बीज बोने का कई तरीका होता है। मान लीजिए कि आप किसान हैं, आप बीज को बोते हैं और प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पे बताया कि बोते समय कुछ बीज जो होते हैं मार्ग के किनारे गिर जाते हैं और पक्षियां आती हैं और उसे चुन जाती हैं। तो मेरे प्रियो, जो बीज हमारा किनारे में गिरा, ये जहाँ पे आप बो रहे हैं, तो वो बीज तो दबेगा नहीं मिट्टी में, तो स्वाभाविक बात है कि उसको वो पक्षी अनेक प्रकार के। प्रभु यीशु मसीह ने उदाहरण के रूप में हमें यहाँ पे समझाने की कोशिश की कि आपका विश्वास
यदि इस तरीके से है तो आपका विश्वास शैतान आपको चुरा लेगा। आगे लिखा हुआ है, कुछ बीज पथरीली भूमि में पड़े गिरे, जहां उन्हें बहुत मिट्टी न मिलने के कारण, मिट्टी में मिलने के ना कारण जल्दी वो उग ना पाए, पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ ना पकड़ने के कारण वो सूख गए। कुछ बीज झाड़ियों के किनारे पड़े और झाड़ियां बढ़ी और उसे दबा डाला, पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे, फल लाए और कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना, कोई जिसमें कान हो वह सुन ले। प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारी बातें ऐसे बताई, दृष्टांतों के द्वारा उदाहरण दिया। तो आज हमें क्या समझ में आता है? आज हमें अच्छी बीज पे अच्छे जगह को चुनना है मेरे प्रियो, क्योंकि आज हमें जहां से शिक्षा मिलती है हमें वही ग्रहण करना चाहिए मेरे प्रियो। आज हमें प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया है कि कोई किनारे बीज पड़ जाता है तो वो नहीं उगेगा मेरे प्रियो, उसे पक्षी उसे बहुत सारे के द्वारा वो चुन लिया जाएगा, और जो पथरीली भूमि पड़ेंगे मिट्टी ना पाने के कारण वो जल या सूख जाएंगे मेरे प्रियो। और जो अच्छी भूमि पर पड़ते हैं और जो झाड़ियां में पड़ते हैं, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने हमें बताया, तुम तो स्वर्ग के राज्य के भेदों को समझ दी गई है। परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर उनको नहीं, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास जिसके पास बहुत है, जो परमेश्वर का वचन कहता है, जिसके पास कुछ नहीं है उसे कुछ भी उसके पास है वह भी उससे ले लिया जाएगा। मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर का वचन यहाँ पे ये कहता है कि हमें जो विश्वास करना है, आज परमेश्वर के वचन में विश्वास करना है। आज हमें जॉब करना है तो हमें अच्छी जगह पर तलाश करना होगा, अच्छी जगह बीज डालना होगा ताकि हमें जॉब मिल सके। नहीं तो शैतान हमारे जीवन से चुराता रहेगा, हमें परेशान करता रहेगा, हमें बहुत सारी बीमारियों, बहुत सारी तकलीफों, बहुत सारी दुख और तकलीफों और मुसीबतों में वो शैतान डालता रहेगा, क्योंकि शैतान चाहता है कि प्रभु यीशु मसीह के पास हम ना जाएं। शैतान चाहता है मेरे प्रियो। तो आज आप स्ट्रांग होंगे, आप आज जब मजबूत होंगे, क्योंकि परमेश्वर हमें जीवन और श्वास देने वाला हमारा वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए आज हमें उस चीज को पहचानना है कि हमें क्या करना है, अपने बच्चों के लिए क्या करना है, जो आपके बच्चे हैं वो क्या करना चाहते हैं। तो आज परमेश्वर से आप विनती और प्रार्थना और निवेदन करने के बाद आप कहिए कि पिता मुझे तो वो ज्ञान दे, वो बुद्धि दे, वो समझ दे, ताकि मैं आपके बातों को समझ सकूं, ताकि मैं आपसे विनती और प्रार्थना कर सकूं, ताकि मैं आपसे विनती करूं कि प्रभु मेरी प्रार्थना को सुन, मुझे आशीष दे, मुझे बरकत दे, मुझे संभाल मेरे प्रभु। तो जिस दिन आप अपने मन में ये ठान लेंगे कि हम हार नहीं मानेंगे और हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमें आशीष दे, हमें बरकत दे, हमें ज्ञान दे, हमें बुद्धि दे, हमें समझ दे, हर तरीके से संभाल पिता, क्योंकि हम अनजान हैं, हम नहीं जानते कि पिता हमें क्या करना है, लेकिन आप चलाने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। मेरे बच्चे नहीं जानते हैं वो क्या करेंगे जीवन में आगे चल करके, लेकिन प्रभु से आप जब प्रार्थना करेंगे, यीशु से प्रार्थना करेंगे, कहेंगे कि हे पिता ज्ञान दे, रास्ता दे, बुद्धि दे, समझ दे, ताकि मेरा बेटा जो भी जिस फील्ड में जाना चाहता है उस फील्ड में उसे कामयाबी मिले, उसे आशीष मिले, उसे बरकत मिले, उसे वो संभाले, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करने वाला है मेरे प्रियो, वो हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ देने वाला हमारा परमेश्वर है। तो हमें घबराने की आवश्यकता है नहीं मेरे प्रियो, हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जिस दिन हम यीशु से प्रार्थना करेंगे उस दिन हमें परमेश्वर बरकत देगा, हमें संभालेगा, हमें सुरक्षित रखने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह हमेशा दृष्टांतों में बात किया करते थे और उपदेश दिया करते थे, क्योंकि हमारे लिए बेहद जरूरी है जानना। आज हम उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर से विनती प्रार्थना करते हैं जो सृष्टि का कर्ता है, जीवन देने वाला है, जो मनुष्यों को बनाने वाला है, उन्हें संभालने वाला परमेश्वर है।
हम उससे विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं। इसीलिए आज हमें प्रार्थना करना है और अंत तक प्रार्थना करना है, ताकि हम हर पल हर समय हर घड़ी प्रभु का धन्यवाद कर सकें और प्रभु हमें आशीष दे सके, हमें बरकत दे सके, हमें संभाल सके, क्योंकि वो हमें संभालने के लिए आया है, हमें बचाने के लिए आया है, हमें हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं से निकालने के लिए, प्रभु समस्या छुड़ाने के लिए आया है। तो मेरे प्रियो, आज आपको घबराना नहीं है। प्रेज द लॉर्ड पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो और आपका धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। हालेलुया देते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको घबराना नहीं है, आपको प्रार्थना करना है, प्रार्थना करना है, आज बोलना है, अपने मुंह से बोलना है, हर एक बातों को लेकर के जो आपके मन में है, इसमें सोच रहे हैं परमेश्वर। जितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, परमेश्वर आज आपको आजाद करने जा रहा है। आपको हर एक प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं से आज वो आपको आजाद करने जा रहे, मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। हे परमेश्वर, आपने बहुत सारे लोगों को ठीक किया है, बहुत सारी बीमारियों को दूर किया है पिता परमेश्वर। हे यीशु, क्योंकि आपने पिता तो मुर्दों को जिलाया है, आज हमारे जीवन को छू पिता परमेश्वर। आज हम चिंता में हैं, आज हम डिप्रेशन में हैं, अपने बच्चे के जीवन को लेकर के चिंतित हैं, अपने घर को लेकर के, अपने काम को लेकर के, अपने बिजनेस को लेकर के, अपने जॉब को लेकर के, हर एक कामों को लेकर के आज हम पिता चिंतित हैं। आपके सामने घुटने टेक करके प्रार्थना और विनती और निवेदन करते हैं पिता, कि आप हमें छूने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर। आज हमारे घर से, आज हमारे शरीर से, आज हमारे जीवन से हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं मेरे जीवन से निकल यीशु मसीह के नाम से। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को पर रखे पिता परमेश्वर, क्योंकि वो आज आप पर विश्वास करते हैं, आपके वचन पर विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं पिता परमेश्वर। आप उन्हें छूने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की आज्ञाओं को हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, निकल जाए यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से समय के लिए। जो भी आपके बच्चे हैं, जो भी आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, अपने मुंह से बोल रहे हैं पिता परमेश्वर, प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उन्हें छूने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग आज्ञा दीजिए, इतनी मेरी बहनें हैं, इतने मेरे भाई हैं, सभी लोग आज्ञा दीजिए अपने जीवन से, बोलिए अपने मुंह से, बोलिए कि मेरे जीवन से यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, जो भी आपके जीवन में दिक्कत है, जो भी प्रॉब्लम है, जिस बारे में आप सोचते हैं कि मेरा काम होगा कि नहीं होगा, सब काम आपका सफल होगा। ये परमेश्वर का वचन भी कहता है, आप याद रखिएगा सबोपदेशक अध्याय 3 में, पृथ्वी और आकाश के बीच में जो भी कुछ होता है उसका समय मैंने निर्धारित किया है। तो परमेश्वर आज आपको यदि जॉब नहीं मिल रही है तो आपको परमेश्वर बेहतर जॉब देने जा रहा है। आपको नौकरी नहीं मिल रही है तो परमेश्वर आपको नौकरी देने जा रहा है। आपका बिजनेस नहीं चल रहा है तो परमेश्वर आपके बिजनेस में बढ़ोतरी करने जा रहा है। आपके पास ज्ञान नहीं है, आपके पास बुद्धि नहीं है, आपके पास समझ नहीं है, आपके घर में पैसे की प्रॉब्लम है, आपके घर में दिक्कत है, आपके घर में केस चल रहे हैं, आप पुलिस कोर्ट कचहरी में घूम रहे हैं, परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहे हैं मसीह के नाम से। दूर यीशु मसीह के नाम से दूर हो, हर एक प्रकार की समस्याओं के लिए दुआ करते हैं पिता परमेश्वर। आज जिन मसीह भाई बहनों के जीवन में जो भी समस्या है यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से कि हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की बीमारियां इनके जीवन से निकले यीशु मसीह के नाम से, दूर हो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। याद करिए, प्रार्थना करते समय याद करिए कि प्रभु यीशु मसीह ने अंधों को ठीक किया था, अंधों को रोशनी दी थी, उन्होंने अंधों को जीवन दिया, श्वासें दी। आज परमेश्वर का धन्यवाद करिए कि हे परमेश्वर, आपने अंधों को ठीक किया, आपने कोढ़ियों को ठीक किया, आपने दुष्ट आत्माओं को निकाला, आपने मुर्दों को जीवित किया, आपने अनेक प्रकार के रोगों को ठीक किया, अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माओं को निकाला। आज मेरे घर से, मेरे जीवन से, मेरे जॉब से, मेरे कामों से हर एक प्रकार की दुष्ट आत्माएं मेरे घर से निकले यीशु मसीह के नाम से। हम विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर, कि आप इस सृष्टि के मालिक हैं, आप उद्धारकर्ता और जीवन देने वाले पिता आप यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया
हालेलुया हालेलुया धन्यवाद यीशु प्रभु आपकी स्तुति हो आपकी महिमा हो इन द नेम ऑफ जीसस। आप घबराइए मत, आपके जो आंसू बहते हैं परमेश्वर से पहुंचने के लिए आया है, आपके जो दिल टूटा हुआ है परमेश्वर से जोड़ने के लिए आया है, क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम करिए, परमेश्वर से प्रेम करिए, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करेगा, आपके जीवन में आशीष देगा, आपके बच्चों को लेकर के जो आप चिंतित हैं, अब आप अपनी जिंदगी में परेशान हैं कि मेरे बच्चे आगे चल करके कैसे होंगे, परमेश्वर उन्हें आशीष देगा, उन्हें बरकत देगा, उन्हें रास्ता देगा, एक नई जिंदगी देगा, एक नई शुरुआत करेंगे। जो आपके बच्चे बिगड़ चुके हैं परमेश्वर कहता है उनके लिए प्रार्थना करो, उनके लिए दुआ करो, उनके लिए विनती करो, उनके लिए प्रार्थना करो, क्योंकि प्रार्थना ही के द्वारा हम अपने घर को, अपने परिवार को, अपनी सोच को, अपने कामों के लिए, अपने ज्ञान के लिए, अपने बुद्धि के लिए, अपनी समझ के लिए, हर एक चीजों के लिए प्रार्थना करना है, हमें हर एक चीजों के लिए आज्ञा देना है, क्योंकि परमेश्वर हमें आजाद करने के लिए आया है, हमें हर एक प्रकार की समस्याओं से बचाने के लिए आए। हालेलुया हालेलुया धन्यवाद यीशु प्रभु आपकी स्तुति इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से आज हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा देंगे, आज्ञा दे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, जितने मेरे बहने हैं, जितने मेरे भाई हैं, सभी लोग आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से कि मेरे घर से दुष्ट आत्माएं निकले। आज जो हमारे जीवन में सताव है, जो आज हमारे जीवन में परेशानियां हैं, पैसे की दिक्कत है, बहुत सारी तंगी है, काम नहीं चल रहे हैं, जॉब नहीं चल रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, काम नहीं मिल रहा है, सब कुछ परमेश्वर आपके जीवन में पूरा करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। जो आज बच्चे जो अपने बच्चे के जीवन को लेकर के घबराए हुए हैं, मेरी बेटी की शादी कैसे होगी, परमेश्वर पूरा करने वाला है, उन्हें एक अच्छा रिश्ता देने वाला है। आज ये सोच रहे हैं कि मेरे बेटे के जीवन को एक अच्छी लड़की कैसे मिलेगी, आज उनके जीवन को परमेश्वर छूने जा रहा है, उनको ब्लेसिंग करने जा रहा है, उन्हें आशीष देने जा रहा है। आप चिंता मत करिए, आप धैर्य रखिए, आप भरोसा रखिए, आप विश्वास करिए। परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा था कि यदि तुम परमेश्वर विश्वास रखते हो तो मुझ पर विश्वास रखो, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन की हर एक चीज की घटी और कमी को पूरा करूंगा। तो आज हमारा परमेश्वर हमारी जिंदगी को छूने वाला है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज हर प्रकार की बीमारियों के लिए, सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, अनेक प्रकार की बीमारियां, अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार के रोग यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से कैंसर हो, यीशु मसीह के नाम से निकल जा, यीशु मसीह के नाम से पथरी है, यीशु मसीह के नाम से स्टोन है, पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से सिर पे, हाथों पे, घुटनों पे, पेटों पे, जहां भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो वहां पे हाथ रखिए, क्योंकि परमेश्वर आपको आज जांच करने जा रहा है। आपकी हर प्रकार की रसौलियां, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से निकलने वाली, यीशु मसीह के नाम से निकलेंगे, यीशु मसीह के नाम से दूर होंगे, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। सत्कलम 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 से यीशु मसीह के नाम से, पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से आज इनके घर से बीमारियां दूर, यीशु मसीह के नाम से जिस पर ये हाथ रखे हैं पिता परमेश्वर, चाहे अपने शरीर पर, चाहे दूसरे के सिर पे हाथ रखे हुए, पिता परमेश्वर आज इनके जीवन को छू, पिता परमेश्वर उन्हें ब्लेस कर, उन्हें हर प्रकार की बीमारियों से बचाने वाले आप है पिता परमेश्वर। आप जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हैं, आपने सृष्टि और संसार को बनाया है, आपने इस पृथ्वी को रचा है पिता परमेश्वर। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से दूर हो जा, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल जा इनके घर से। हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाड़ विषाड़ निर्बलताएं इनके जीवन से निकल जाए, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार के रोगाड़ विषाड़ निर्बलताएं इनके जीवन से निकलने पाए, यीशु मसीह के नाम से दूर हो, यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से आज इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्याएं निकलने पाए, यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं। अब मेरे हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। इसी वक्त आपके बेटी के जीवन से निकलने वाला है वो शैतान, आपके घर से निकलने वाला है, आपके जीवन से निकलने वाला। यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपका बखान करते हैं। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे काम से, मेरे बिजनेस से, मेरे हर एक चीजों से यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ, आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से निकल मेरे घर
से निकल, मेरे जॉब से निकल, मेरे बेटे के जीवन से निकल, मेरे पति के जीवन से निकल, मेरे पत्नी के जीवन से निकल, मेरे हर एक कामों से निकल यीशु मसीह के नाम से। हे शैतान, हे दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा, हे गूंगी आत्मा, हे बहरी आत्मा, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को आज्ञा दी यीशु मसीह के नाम से, दूर हो यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हम आज्ञा देते हैं उस पावरफुल नाम से, आज्ञा देते उसके लहू के नाम से, आज्ञा देते यीशु मसीह के लहू के नाम से, दूर हो जा, इसी वक्त निकल इनके घर से। हर प्रकार की बीमारियां, चाहे वो किसी भी प्रकार की बीमारी हो, छोटी से लेकर के बड़ी तक क्यों नहीं हो बीमारी, आज वो दवा खाते यीशु मसीह के नाम से, दूर यीशु मसीह के नाम से। आज मेरे शरीर से, मेरे घर से, मेरे जीवन से यीशु मसीह के नाम से निकल यीशु मसीह के नाम से। हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते यीशु मसीह के नाम से कि आज मेरे घर से आपने सारी समस्याओं को दूर कर दिया यीशु मसीह के नाम से। निकल यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, मेरे बेटे के जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से, आज्ञा दीजिए। निकलने वाला वो शैतान आपके घर से है, निकल यीशु मसीह के नाम से। डांट करके भगाइए, डांट करके यीशु मसीह के नाम से, डांट करके उस शैतान को जो आपके कामों में रुकावटें लाता है, जो आपके घर में बीमारियां लाता है, जो आपके घर में पैसे की समस्या लाता है, वो हर एक प्रकार की बीमारियों को दूर कर यीशु मसीह के नाम से। निकल यीशु मसीह के नाम से। हे शैतान, हे दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा, हर प्रकार की अशुद्ध आत्मा यीशु मसीह के नाम से सब दूर हो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अंतिम आज्ञा दीजिए, अंतिम आज्ञा दीजिए, अंतिम आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आपके घर से निकले यीशु मसीह के नाम से, अंतिम आज्ञा दीजिए। हर एक चीजों को, हर एक चीजों को समेट कर यीशु मसीह के नाम से सब कुछ निकाल दीजिए अपने घर से, अपने जीवन से यीशु मसीह के नाम से। विदा परमेश्वर, आज आपके घर में शैतान है जो भागने वाला है, जो आपके घर में अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं हैं वो निकलने वाली हैं, जो आपके कामों में अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं बाधा डाल रही यीशु मसीह के नाम से, दूर यीशु मसीह के नाम से। निकल यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आपने सब कुछ दूर कर दिया, इसके लिए बहुत बहुत मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर, आमीन।